यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। बच्चों की आवाज बहुत ज्यादा। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। अच्छा, छोटी सी चीज से शुरू करते हैं। बहुत मामूली चीज जो जिन पे हमारा जीवन खड़ा है, ठीक है। हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं, मानते नहीं मानते? हालेलुया। अब यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? कुर्बानी दी। और क्या किया? ठीक है, अपना सिंहासन छोड़ करके, जिस पे वो विराजमान थे उसको छोड़ करके वो हमारे बीच में उतर आए, हमारे लिए कुर्बानी दी। और क्या किया? और क्या किया? सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या करें? अपना प्रेम किया, हमसे प्रेम किया, हमें अपना आत्मा दिया। और क्या किया? ठीक है, चुन लिया। वो तो जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया था। यीशु मसीह ने आके इस दुनिया में हमारे लिए एक और चीज, खास खास चीज, हमारे लिए क्रूस सहा, बलिदान हुआ क्रूस सहा, हमारे लिए मृत्यु को हरा करके वो दोबारा जिंदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की कुर्बानी अधूरी है अगर हम उसके पुनरुत्थान की बात ना करें। यीशु मसीह हम सब के लिए दोबारा जिंदा हुआ, क्यों? क्योंकि हम भी जिंदा होकर के परमेश्वर के पास पहुंच सके। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर केवल यीशु मसीह मर के मरा रहता तो कुर्बानी किसी काम नहीं आती हमारे, वो कुर्बानी हमारे किसी काम नहीं आती अगर वो जिंदा नहीं हुआ होता। पर प्रभु यीशु मसीह उन मुर्दों में से जिंदा हुआ और वो आज भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। और एक और ऐसा बड़ा काम जो हमारे लिए परमेश्वर ने किया था, जो सोनू भाई ने बताया, हमें परमेश्वर ने अपना एक आत्मा दिया। हालेलुया। हम सब के पास तो हमारी आत्मा तो है, आत्मा नहीं है हमारे पास? मेरी तो मेरी आत्मा है। फिर वो कौन सा आत्मा दिया? पवित्र आत्मा दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया, क्या जब यीशु मसीह इस धरती पे था तो क्या यीशु मसीह को उस पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ी थी? लूका खोलते, लूका 3:22। तब पवित्र आत्मा कबूतर की देह के रूप में उस पर उतरा और आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न। हालेलुया। और 4:1, लूका ही 4:1, यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन से लौटा और आत्मा उसे जंगल में इधर उधर ले जा रहा था। हालेलुया। हमारे मसीही जीवन के लिए, हम जब यीशु मसीह को अपने जीवन में जीते हैं तो हमारे लिए आधार क्या है, यानी हमारा उदाहरण क्या है? जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना, हमारा आइडल, कहते नहीं हमारा आइडल कौन है, भाई मैं गांधी जी को देख के जीता हूँ, या भाई मेरे को ऋतिक रोशन जैसा बनना है, या मेरे को रणविजय जैसा बनना है, या जो भी जैसा भी हम सोचते हैं कि हमें उसके जैसा बनना है, तो हम उसके जैसे कोशिश करते हैं बनने की, करने की। तो हमें मसीही जीवन जीने के लिए हमारा आधार कौन है? प्रभु यीशु मसीह, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है, उसके अलावा और कोई आधार नहीं है। हमारा जीवन का आधार दाऊद नहीं हो सकता, हमारे जीवन का आधार मूसा भी नहीं हो सकता, हमारे जीवन का आधार जितने भी नबी आए, जितने भी लोग इतिहास में हैं, उनमें से कोई भी नहीं हो सकता। केवल एक हो सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पे शरीर को धारण किया,
यानी हमारे जैसे शरीर को धारण किया, हार्ड मांस लहू जैसे शरीर को धारण किया, उनको भी खांसी आती होगी, उनको भी पेट में दर्द होता होगा, जब चलते थे तब भी थकते होंगे, सब चीजें हैं उसमें। शरीर में रहते हुए शरीर में थे इसलिए पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पता था कि हमें भी पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा दिया। क्यों? क्योंकि वो हमें भी दिया जाना है, क्योंकि हमारी देह दुर्बल है, हम कमजोर है, हम पाप से अकेले जीत ही नहीं सकते। अगर हम अकेले पाप से जीत जाते तो यीशु मसीह को इस धरती पर आने की जरूरत थी ही नहीं, हमें वो सीढ़ी देने की जरूरत नहीं थी जिससे कि हम यीशु परमेश्वर तक पास में पहुंच सकते। यीशु मसीह का इस धरती पे अपना हाथ बढ़ाया जाना ये सबूत है कि हम अपने आप से पाप से जीत नहीं सकते। पाप से जीतने के लिए हमें उस पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा दिया गया। नहीं तो शायद प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर उनको तो हमारे लिए बलिदान देने की भी जरूरत नहीं थी, पर हमें हमारे जैसे उन्होंने वो पद चिन्ह छोड़े हैं जिसपे कि हम चल सकते हैं। हमारे जैसे शरीर में जी करके हर कमी को उन्होंने अपने जीवन में हम झेला, हमारे लिए सबूत छोड़ा कि मैं अगर कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया। पवित्र आत्मा किसको दिया गया? हमको दिया गया। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे थे, उनसे शुरुआत हुई, बाद में फिर परमानेंटली पेंतकुस के दिन हमें दिया गया। अब पवित्र आत्मा हम सब के साथ है, हम सब के साथ है। तो पहली चीज देखनी शुरू करते हैं, रोमियो 8 का 1-6 तक पढ़ेंगे। अतः अब उन पर जो मसीह यीशु में है दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में तुम्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जीवन के आत्मा की व्यवस्था के अनुसार हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यानी यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, फिर जी उठा, उसके लहू के द्वारा हमारे पाप धुलते हैं, पाप साफ होते हैं। फिर उस पाप को धुलने का काम कौन करता है? अब इसको थोड़ा आसानी से समझते हैं एक तरीके से। बड़ी वाली पानी की टंकी किसने देखी है जिसमें 1 लाख या 2 लाख लीटर होते हैं, बहुत ऊपर होती है, जो 10-12 मंजिल, सबने देखी होगी? नहीं देखी? अपने नाथोपुर के पीछे वो तोतराम चौक पे एक है, पुरानी टंकी खड़ी है, वी ब्लॉक में भी है, यू ब्लॉक में भी है, है? अब एक छोटी टंकी सबके छत पे भी रखी हुई है, छत पे भी रखी होगी ना। जब पानी खत्म हो जाता है, मकान मालकिन या मालिक को फोन करते हैं, पानी नहीं है, और वो बोलता है तुम बहुत खर्च थे, तुम्हारा 500 बढ़ गया, तो हम दोबारा कभी फोन ही नहीं करते उसको। वो बड़ी टंकी और जो छोटी टंकी से हम पानी लेते हैं, परमेश्वर ने, परमेश्वर यीशु मसीह अपनी सामर्थ और अपना लहू और हमारा छुटकारा, हमारी स्वतंत्रता ऊपर से पवित्र आत्मा के द्वारा हमें देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा है वो जो हमारे पापों को धोता है और हमें मृत्यु से मुक्त करता है, जो हमें स्वतंत्र करता है कि पाप और मृत्यु से अब तुम स्वतंत्र हो परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। ये घोषणा करता कौन है? ये घोषणा पवित्र आत्मा करता है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर उस पवित्र आत्मा की मोहर लगी हुई है, वो छाप लगी है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह में हम स्वतंत्र है। हालेलुया, हालेलुया। अब तो हमें इसमें से यीशु, हमें पवित्र आत्मा क्या करता है? स्वतंत्र करता है, स्वतंत्रता। अब 15-13 पढ़ेंगे। अब आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में संपूर्ण आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, जिस
जिससे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के हम परमेश्वर के पास तक नहीं पहुंच सकते, हमारी आशा बढ़ नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों में वो ताकत नहीं है कि हम हर एक पाप को हरा करके हम जीत जाएं और अंत में जब हमारा जीवन का अंत हो तो हम स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े हों और हम अंदर ले लिए जाएं। जैसे कि वो बड़ी टंकी से पानी नीचे आता है, वैसी परमेश्वर सामर्थ अपनी देता है पवित्र आत्मा के द्वारा हमको कि हम जब हम पानी भरने जाते हैं, कभी कभी हम जैसे ऐसे ऐसे कमरों में रहते हैं जहाँ नल के पास में नहीं लगे हुए, थोड़ी सी दूर है, तो अपने ड्रम वगैरह भरने होते हैं ना, तो ड्रम जब भरते हैं, जो पीने का पानी वाली बाल्टी भरते हैं, कैसे भरते हैं? साफ करके, रोजाना एक छोटा सा सर्फ, थोड़ा सा पानी धो लिया, फिर पानी से साफ कर लिया, फिर एक और बार पानी लिया, फिर फेंक दिया। तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर सामर्थ को ऐसे ही देता है पवित्र आत्मा, कि थोड़ा सा परमेश्वर का लहू और पवित्र आत्मा की सामर्थ, जिससे कि हमारे सारे पाप उसमें से धुल जाएं, सारे कीटाणु मर जाए, सब साफ हो जाए, और फिर फेंक दें, जिससे कि फिर दोबारा से जब पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ को डालेगा तो उस सामर्थ को हम अपने लिए इस्तेमाल कर पाए। हालेलुया। और उस सामर्थ को हम दूसरों को भी दे पाए। क्यों? जब हमारे घर में पानी पीने आता है, हम उसको से पानी नहीं पिलाते लोगों को, पिलाते ना जब हमने पानी भरा होता अपने लिए। तो वैसे ही हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा हमें अपने सामर्थ्य से तभी भरेगा जब हम अपने अंदर से साफ होंगे परमेश्वर के लिए। जैसा परमेश्वर ने अपने लहू से धो करके हमें साफ कर दिया, बिल्कुल सफेद कर दिया, बिल्कुल सफेद, जिसमें कोई दाग नहीं है, जिसमें कुछ भी खराब नहीं हो सकता, तो उसके अंदर परमेश्वर अपनी सामर्थ को डालता है। किसी गंदी चीज में नहीं डालता। डालता क्या कोई? जैसे चाय का एक गंदा गिलास के कोने में रखा मिल गया, उसको उठाया, अरे तो चाय का है, दोबारा चाय डाल के पी लेगा कोई? ऐसा हुई है? पिएगा कोई? नहीं। वैसे ही परमेश्वर अपनी सामर्थ को पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में तभी डालेगा जब हम उस सामर्थ के लायक होंगे, उस सामर्थ के लिए हम अपने जीवन को साफ रखा हुआ होगा। हालेलुया, हालेलुया। पहली चीज जो पवित्र आत्मा हमें प्रदान करता है, स्वतंत्रता। दूसरी चीज जो परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा हमें प्रदान करता है, सामर्थ। उस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए वो हमें सामर्थ भी देता है कि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, उसकी सामर्थ के द्वारा हम उस स्वतंत्रता को अपने जीवन में बनाए रख सकते हैं। हालेलुया। अब एक 8:25-27। यदि हम उसकी आशा करते हैं जिसे नहीं देखते, तो धीरज से उत्सुकता पूर्वक उसकी प्रतीक्षा करते हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं भी ऐसी आहें भर भर कर जो अवर्णनीय है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो एक पवित्र आत्मा ने हमें आजादी दे दी पाप और मृत्यु से, फिर पवित्र आत्मा ने हमें सामर्थ्य दे दी कि खुद बचे रहो, लो तुम्हें ताकत दे दी हमने, तुम्हारे हाथ में ताकत आ गई, अब तुम पाप से खुद बचे रहो। इतना भी नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भर भर के, आहें भर भर के क्या मतलब होता है? वो बच्चे जब रोते हुए देखे, बहुत सारे लोग, सब बच्चे हैं, बच्चे को देखा भी रोते हुए, तो बीच में जब बच्चा बहुत ज्यादा रोता है तो कैसे करता है? बीच में रोता है ना, सांस ले लेके, वो दैट्स कॉल्ड आहें भर भर के। पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करता है परमेश्वर से। हालेलुया। किस चीज के लिए? हमें गाड़ी दे दो उस लिए नहीं, या नया फोन मिल जाए उस लिए भी नहीं, हमारी दुर्बलताओं में, हमारी कमजोरियां कहाँ हैं, उन सारी कमजोरियों को पवित्र आत्मा अच्छे से जानता है। जानता नहीं जानता है?
हमारी हर एक कमजोरी को कि मनीष कहाँ टूटा हुआ है या विरोनिका कहाँ टूटी हुई है या राजू या सोनू या जो भी कहाँ टूटा हुआ है कि उस जगह से वो मजबूत हो जाए तो वो परमेश्वर से जाके मिल जाए। उसका एक ही एम है, एक ही लक्ष्य है पवित्र आत्मा का, हमको पिता से मिलवाना। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी दुर्बलताओं के लिए प्रार्थना करता है पवित्र आत्मा हमारे साथ, कि हमें हमारी दुर्बलता तो पता है पर हमारी दुर्बलता के लिए हमें प्रार्थना क्या करनी है वो नहीं पता। तो वैसे ही उसी चीज के लिए कि हमें नहीं पता तो कैसे प्रार्थना करनी है, पर पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। और प्रार्थना पवित्र आत्मा उसके लिए करता है जो उस दुर्बलता से छूटने की इच्छा अपने दिल में रखता है। हर किसी के लिए नहीं करता है पवित्र आत्मा प्रार्थना। जो जानबूझ करके पाप करता रहेगा पवित्र आत्मा उसके लिए क्यों प्रार्थना करेगा, क्यों करेगा प्रार्थना? जिसको अपने घर में एक जगह तक गंदी चप्पलें लाने की आदत है, जैसे मान लो थोड़ा सा होता ना एक जगह कि घर के अंदर घुसो तो चप्पल निकालने की एक जगह है, तो दिन में एक बार तो पोंछा लग जाएगा, पर क्या 10 बार 50 बार लगता है? नहीं ना, वो तो होता ना कि यहां तक तो गंदा रहेगा ही रहेगा, उसके बाद गंदा नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही पवित्र आत्मा हमें एक बार स्वतंत्र कर देगा, एक बार सामर्थ्य दे देगा, पर अगर हमारे अंदर बार बार गंदगी फैलाने की आदत होगी तो पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना नहीं करेगा। पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना कब करेगा? जब हमारे अंदर उस दुर्बलता को छोड़ने की इच्छा मौजूद है और मैं कहता हूं कि प्रभु मुझे इस आदत से छुटकारा दे, तब पवित्र आत्मा हमारे साथ काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो तीसरी चीज, परमेश्वर हमारे लिए, पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करता है? प्रार्थना। पहली चीज पाप और मृत्यु से स्वतंत्र करता है, दूसरी सामर्थ्य देता है उसे बनाए रखने के लिए, और हमारी दुर्बलताओं से हमें छूटने के लिए मदद करने के लिए हमसे हमारे लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया। चौथी चीज, दूसरा ग्रंथियों 3:17-18। अब यह प्रभु तो आत्मा है, और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, और हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हुए प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। कौन से अंश में बदलते जाते हैं? किसके जैसे? प्रभु यीशु मसीह में बदलते जाते हैं, हिस्सा हिस्सा करके धीरे धीरे हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे हम ढलते जाते हैं। और उस ढलने में हमारी मदद कौन करता है? पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि वो हमें पाप और मृत्यु से छुड़ा करके हमारे अंदर पहली चीज क्या आनी चाहिए? पछतावा। पछतावा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया तो सबसे पहली चीज हमारे जीवन में पछतावा होती है। जब हम पश्चाताप करेंगे तभी हमारे अंदर बदलाव शुरू होगा। अगर हम पुराने पापों को मानेंगे ही नहीं तो हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा। तो उस बदलाव को पवित्र आत्मा लेके आता है। उसने हमें पाप और मृत्यु से पवित्र करके, साफ करके, स्वतंत्र कर दिया। मृत्यु और पाप से स्वतंत्र हो गए, हमें हमारे हाथ में सामर्थ्य दे दी, हमारी दुर्बलताओं में हमारे लिए प्रार्थना करता है कि हम अंश अंश करके हमारे शरीर में से एक एक हिस्सा करके हम परमेश्वर के रूप में बदलते जाएं, रोजाना के तौर पर परमेश्वर की तरह ढलते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। कि हम इस धरती पे जीवित सुसमाचार को बनने पाए। हालेलुया। ध्यान सुनना, जीवित सुसमाचार क्या होता है? दो तरीके होते हैं सुसमाचार प्रचार करने के। एक होता है मुंह खोल के बताना, एक होता है जी के दिखाना। मुंह खोल के बताना तब होता है जब हम जाकर के लोगों को पर्चे बांटते हैं, या कोई परेशान है अपने जीवन से उसको जाके बताते हैं कि नहीं तेरे जीवन का ये
समस्या है तो प्रभु यीशु मसीह से ठीक कर सकता है। एक बार चर्च आके देखो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। एक होता है कि हमारे जो ऑफिस में हम हैं, किसी को कोई समस्या ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इस जीवन में। जब हमारे आसपास वो 10 लोग रहते हैं और वो परेशान है ही नहीं, तो हम सुसमाचार कैसे बताएंगे? जीवित सुसमाचार का बन के कि हम अपने ऑफिस में, स्कूल में, या घर में, या हम जहां भी काम करने जाते, एक घंटे या 10 मिनट में, 15 मिनट, 20 मिनट, हमें मसीह को अपने जीवन में जी के दिखाना है। कोई भी गलत काम को नहीं करना है जो परमेश्वर यीशु मसीह ने वचन में मना किया। कोई भी गलत काम नहीं करना जिससे कि परमेश्वर का नाम नीचा हो। परमेश्वर का नाम ऊंचा है, ऊंचा था और ऊंचा रहेगा। पर जो हमारे हाथ में परमेश्वर का नाम का झंडा दिया है ना यीशु मसीह ने, जो हमें दिया है, उसको नीचा करना या उठाना, वो हमारे हाथ में। क्या हम परमेश्वर के नाम को नीचा करते हैं या उठाते हैं? अगर हम पाप करेंगे तो परमेश्वर के झंडे को हम अपने हाथों से नीचा करेंगे, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो हमारे हाथ में है। हम में से इस धरती में जितने भी मनुष्य जिंदा है, उनमें से किसी की भी इतनी सी भी हिम्मत नहीं है कि वो परमेश्वर के नाम को नीचे ले आए। पर जो मसीही है, उनको एक खुद का झंडा मिला है यीशु मसीह के नाम का। क्या हम उसे ऊंचा करते हैं, क्या हम उसे नीचा करते हैं? और ऊंचा कैसे करेंगे? हम मसीह का, यीशु मसीह का नाम अपनी जुबान से भी ना लेकर के हम यीशु मसीह को जी करके हम दिखाएंगे। कोई गलत काम नहीं करना, कोई झूठ नहीं बोलना, किसी से गलत झगड़ा नहीं करना, गलत कमाई नहीं करना। ऐसी बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी हुई हैं। ये होता है मसीह को जी के दिखाना। जब हमें सुसमाचार प्रचार करने का मौका मिलेगा कि कोई हमारे सामने दुखित आदमी बैठा है, उसको सुनाना होगा तो हम सुनाएंगे। पर उसके अलावा खाली समय में और क्या करेंगे? हम खाली समय में हम यीशु मसीह को जी के दिखाएंगे लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमें अंश अंश करके बदलता जाएगा। जब हम अपने हाथों से पाप करना बंद कर देंगे तो हम हाथों से परमेश्वर के करीब पहुंच जाएंगे। जब हम अपने गलत जगह जाना बंद कर देंगे पैरों से, तो हम पैरों से परमेश्वर के करीब पहुंच जाएंगे। जब हम अपने मन और बुद्धि में परमेश्वर के खिलाफ जो चीजें हैं उनको सोचना बंद करेंगे, तब हम मन और बुद्धि से परमेश्वर के पास पहुंचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो अंश अंश करके पवित्र आत्मा हमारे अंदर बदलाव को बढ़ाता है। हालेलुया। तो इसमें बदलाव, स्वतंत्रता, पाप और मृत्यु से हमें स्वतंत्र करता है, उसको बनाए रखने के लिए हमारे अंदर सामर्थ्य को देता है, और हमारे सारी निर्बलताओं के अंदर, यानी जितने भी पाप की हमारे अंदर जो हरकतें हैं, उनको छोड़ने के लिए पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, जिससे कि हमारे अंदर बदलाव की इच्छा पूर्ण हो और हम बदलाव की तरफ बढ़ते जाएं और पवित्र आत्मा हमें बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। अब पहला कुरिन्थियों 6:19-20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में है और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है, और कि तुम अपने नहीं हो? क्योंकि तुम मूल्य देकर खरीदे गए हो, इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। किसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करो? किसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करो? किसके द्वारा? किसके द्वारा? शरीर के द्वारा, यानी ये जो है बाल और ये पैर, ये सब, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि परमेश्वर ने हम सब के लिए एक दाम चुकाया है, हर किसी के लिए। पवन के लिए दाम चुकाया है, अमन के लिए दाम चुकाया है, बाऊजी के लिए, मेरे लिए, पूजा, विरोनिका, सुनीता, हर किसी के लिए परमेश्वर ने एक लहू का दाम चुकाया है, और उस दाम को चुका करके उसने हमें खरीद लिया है। केवल आत्मा को नहीं खरीदा, हमारे शरीर को खरीद लिया है। क्या उसने आत्मा बलिदान की थी क्रूस पे? नहीं। क्या बलिदान किया था? शरीर को। तो उसने हमारे शरीरों को भी खरीदा है, आत्मा के साथ साथ उसने हमारे शरीरों को भी खरीद लिया, जिससे कि हम शरीर में परमेश्वर की महिमा करें।
कैसे? अच्छा, लाल वो लैंप होता ना घर में, लैंप, लैंप नहीं लगता, इतना छोटा सा होता है जो उसमें बाहर पर्पल कपड़ा हो तो बल्ब जलाओ, थोड़ी हल्की हल्की पर्पल सी लाइट आती है, आती है ना? क्या उसमें हमें बल्ब नजर आता है? बल्ब अंदर का जो लैंप के अंदर का जो बल्ब लगा होता है नजर आता है? सिर्फ ऊपर से जाके देखना होता है या नीचे से देखना होता है उसके अंदर? लैंप देखा है ना सबने या नहीं देखा? तो वैसे ही हमारे जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है। जब पवित्र आत्मा ने हमें स्वतंत्र कर दिया, सामर्थ्य दे दी, हमारे लिए प्रार्थना करता है, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इच्छा मौजूद है पवित्र होने के लिए। फिर अंश अंश बदलता जाता है, यानी पवित्र आत्मा ने सब कुछ साफ कर दिया। साफ क्यों कर दिया? क्योंकि वो खुद हमारे अंदर आकर के बैठेगा और हमारे शरीर को अपना मंदिर बनाएगा। हालेलुया! कि वो परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे हृदयों में स्थापित करेगा, वहां बिठाएगा। बिठाने के बाद में जो रोशनी निकलेगी, उस रोशनी के द्वारा हमारा आसपास का जितना भी एरिया है वो सब रोशन होगा, कि इसके अंदर वो परमेश्वर यीशु मसीह की रोशनी को लिए चलता है। हालेलुया! हालेलुया! कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, हमारे साथ में वास करता है, हमारे अंदर बैठता है। सोचो ना यार, इसके अंदर है यीशु मसीह, इसके अंदर पवित्र आत्मा बैठा हुआ है, हमारे साथ, हमारे अंदर बैठा, हमारे साथ में नहीं, हमारे अंदर है पवित्र आत्मा, हमारे अंदर है। मेरे को अगर बहुत पहले अगर मैं यीशु मसीह को जानता तो मैं कीचड़ में हाथ डालता भी नहीं। अगर मुझे आज मेरे को दिख जाए ना अंदर यहाँ पवित्र आत्मा बैठा है, तो मैं कभी किसी गंदी चीज़ पे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जहाँ डस्टिंग नहीं हुई ना वहाँ पे भी हाथ नहीं लगाऊंगा कि नहीं, गंदा नहीं होना चाहिए। जरा सोचो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, जिससे कि हमारा जीवन रोशन होता है, कि हम यीशु मसीह का जीता जागता शारीरिक मंदिर बनने पाते हैं। शरीर को, हमारे शरीर को परमेश्वर यीशु मसीह ने मंदिर बनाया, जहां वो रहता है, जहां वो रहता है। क्या हम अपनी आंखों से उन गंदी चीजों को देखते हैं? क्या हम अपने दिमाग से उस गंदी चीजों को सोचते हैं? क्या हम अपने हाथों से उस गंदे कामों को करते हैं, या हम उस गंदी जगह अपने पैरों से चल के जाते हैं? नहीं यार, वहां तो सिर्फ मैं बैठता ही हूं, मैं कुछ तो गलत अपने गलत नहीं बोलता, मैं तो गलत कभी कुछ नहीं करता। पर जुबान के साथ साथ ना हमें एक और चीज मिली है, कान। गलत चीज बोलना भी नहीं है, गलत चीज सुनना भी नहीं है। सुनने से भी हम अपवित्र होते हैं, गलत चीज सुन से। अचानक से किसी ने कुछ बोल दिया, कानों में पड़ गया, उससे नहीं, जबरदस्ती जहां बैठे रहते हैं अपने दोस्ती यारी में, कि यार मैं तो गाली देता नहीं ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो लोग देते हैं, उनका वो जाने। ऐसा नहीं है, हमारे कानों में गालियां नहीं पड़नी चाहिए, हमें अपवित्र नहीं होना है। कोई बोल रहा है तो उठ के चले जाओ, नहीं जा सकते तो उसे बोल दो, तो भाई चुप रहे। तो हमारा शरीर परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारे अंदर रहता है वो। जब हम घर में किसी के कोनों में जब मंदिर बनाए हुए थे, मेरे घर में भी था पहले, तो उस टाइम तो नहा धो करके टावल वावल बांध करके सब चलता था उस टाइम, तो उस वो कोना बड़ा साफ था, उस कोने में कुछ गलत काम नहीं होना चाहिए था। क्यों? वो कोना ऊपर वाले का है। यीशु मसीह ये कहता है कि हमारा शरीर वो कोना है, हमारा शरीर पवित्र है, उस पवित्र शरीर के अंदर पवित्र आत्मा हमारे साथ वास करता है, कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, हमारे साथ, हमारे अंदर, हमारे बगल में नहीं है, हमारे अंदर है। यूहन्ना 14:16, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया! ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमें सदा के लिए नहीं छोड़ते, वैसे ही पवित्र आत्मा सदा के लिए हमारे साथ रहता है। हालेलुया! हालेलुया! पवित्र आत्मा सदा के लिए हमारे साथ है। जिसने भी यीशु मसीह की जय बोली है, जिसने भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, बेशक से वो बाद में फिर जाए, पर भी पवित्र आत्मा उसके साथ है।
अंदर नहीं है, साथ में है। पवित्र आत्मा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगर हम पवित्र बने रहते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, अगर हम पवित्रता को छोड़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे साथ हमारे बाहर बना रहता है। उस बाहर में बस वो इतना मौका देखता है कि कब हम परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके हम पछतावे को मांगेंगे, हम पश्चाताप करेंगे, हम अपने उद्धार को वापिस मांगेंगे कि फिर से वही चीज दोबारा शुरू करे, कि हमें पाप और मृत्यु से मुक्त करे, फिर अपनी सामर्थ को दे, फिर हमारे लिए प्रार्थना करे, बदलाव आए और फिर वो कब हमारे अंदर आके वास करे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ बना रहता है और जो उसने पवित्र आत्मा हमें दिया है वो मृत्यु तक, हमारी मृत्यु तक हमारे हमारे साथ बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का हमारे साथ बने रहना हमारे उद्धार की वजह नहीं होगी, उद्धार की वजह हमारी यीशु मसीह पे को उद्धारकर्ता ग्रहण करके हमें पवित्र बनाए रखने की, अपने आप को जो हम पवित्र बनाए रखते हैं वो वजह हमारी उद्धार का कारण है। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा उससे हमें उद्धार नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा हमारे मृत्यु तक हमारे साथ बना रहता है। अगला 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और सब कुछ मैंने तुमसे कहा है तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जो हम वचन सुनते हैं और जो वचन हम पढ़ते हैं, पहली बात तो अगर हमें पढ़ना आता और हम वचन नहीं पढ़ते हैं तो यह गलत है, हमारे जीवन के लिए गलत है। क्यों? क्योंकि हम अपने घर में कपड़े धोते नहीं, धोते हैं ना। मान लो किसी शर्ट पे चाय का दाग गिर गया, सूट पे गिर गया, या लेडीज़ को चुन्नी की बड़ी चिंता होती है, चुन्नी पे अगर चाय गिर गई तो कहते निकलेगा ही नहीं, तो साबुन लगाते वक्त क्या करते हैं वहाँ पे 3-4 बार फालतू लगाते और 2 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं कि उससे बाद में जब ब्रश मारेंगे तो निकल जाएगा। होता है, नहीं होता है? शर्ट पे, पैंट पे, सूट पे, चुन्नी पे, जिस पे भी दाग लगते हैं। तो हमारे जीवन में भी हमारा वचन भी ऐसा ही है, हमें हमारे अपने जीवन में हमें पाप को छोड़ने के लिए और सारी दागों को हटाने के लिए जो हमारे जीवन को अपवित्र करता है उसके लिए वचन ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है। वचन को पढ़ने के बाद कुछ देर छोड़ना यानी मनन करना ज़रूरी है कि हमारे जीवन में वो लागू कैसे होगा। मैंने ये वचन पढ़ा, इसका वचन का मतलब ये है और मैं इसे अपने जीवन में लागू कैसे करूँगा, क्या बदलाव आएगा मेरे जीवन में इसको लेकर के, मैं कैसे बदलूँगा। उन वचनों को पढ़े जाने के बाद में पवित्र आत्मा उन वचनों को हमें याद दिलाता है। बहुत बार गलत नहीं, गलत करने जा ही रहे होते हैं उससे पहले याद दिला देता है हमें। बहुत बार होता ही नहीं होता, मेरे साथ तो होता है कि अगर बाई चांस गलत होने जा रहा होता है या कभी कभी मजबूरी में यार कुछ होने जा रहा होता है आगे, तो पहले याद आता है कि नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए इसके साथ में, तो छोड़ देता हूं फिर मैं कि नहीं यार गलत है। जब मेरे अंदर से मेरा पवित्र आत्मा मेरे को याद दिलाता है कि नहीं ये गलत है, इसको नहीं करना है, तो उस वक्त उस हाथ को रोक लो जो गलत करने जा रहे हो। क्यों? क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमें उन वचनों को याद दिलाता है जो वचन हमने पढ़े होते हैं और उनको समझने में भी हमारी मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर इतनी सामर्थ नहीं है कि हम परमेश्वर के वचनों को समझ लें, इतनी समझ है ही नहीं। वो ऐसा मिश्री किसने देखे, मिश्री मोटा मिश्री होती नहीं, मोटी वाली, इतनी मोटे मोटे मिश्री, उसको एक गिलास में डाल करके घुमाते रहो कितनी देर में मिलेगी जाके, कितना टाइम लगेगा उसको मिलाने में, ऐसे 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 ऐसे। चीनी को मिलाना आसान होता है ना एक बार, वो बड़ी मिश्री को मिलाना बहुत मुश्किल होता है। तो परमेश्वर का वचन ऐसा मोटा सा ही है, उसको मिलाने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत हमें पड़ेगी ही।
बिना पवित्र आत्मा की सहायता के हम वचनों को नहीं समझ सकते, और हमें पवित्र आत्मा उन्हीं वचनों को याद दिलाएगा, उन्हीं वचनों के द्वारा हमारी मदद करेगा जिन वचनों को हमने पढ़ा है। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है वचनों को समझने के लिए और उनको अपने जीवन में लागू करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अब पहला ग्रंथियों 12:4-9। वरदान तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, पर आत्मा एक ही है, और सेवाएं भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य भी अनेक प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में सब कुछ करता है, परंतु प्रत्येक को सबकी भलाई के लिए आत्मिक वरदान दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि का वचन और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान का वचन दिया जाता है। बस, तो पवित्र आत्मा हमें हमारी सामर्थ्य के, हमें हमारी कैपेबिलिटी, यानी कैपेबिलिटी हिंदी में क्या कहते हैं भाई, योग्यता के अनुसार, कि हमें हमारी योग्यता के अनुसार हमें वरदान भी देता है। कि अगर मान लो मेरे को बात करने की बहुत आदत है और मैं परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा की मदद से समझ सकता हूँ, तो परमेश्वर मुझे प्रचार करने का भी वरदान दे सकता है। या फिर मैं अनजान लोगों से जल्दी घुल मिल जाता हूँ और बात करने की आदत है, परमेश्वर मुझे सुसमाचार प्रचार करने की आदत दे सकता है। या फिर मैं घरों में मिलजुल के मैं लोगों के पास जाकर के बैठ के बात कर सकता हूँ अपने जान पहचान या अपने चर्च के लोगों से, तो मुझे होम ग्रुप चलाने की वरदान दे सकता है। तो परमेश्वर हमें हमारे हिसाब से पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदानों को हमें बांटता है। हालेलुया, कि हमारे हाथों में परमेश्वर ने उन वरदानों को दिया है, किसी को प्रचार करने का, किसी को सेवकाई करने का, किसी को लगातार इन गद्दों को बिछाने का, या किसी के नजर में हमेशा बना रहेगा, हमेशा याद रहेगा सटीक कि भाई एक हफ्ता हो गया चादरें धुली नहीं है। मैं मुकेश को बोल देता हूँ चादर धुलने के लिए, क्यों? क्योंकि सेवकाई का जो हृदय है परमेश्वर ने जो हमें दिया है, हमारा मन, उसके हिसाब से पवित्र आत्मा हमें तराश तराश के हमें हमारे वरदानों को हमारे हाथों में देता है, जिससे कि हम किसके लिए इस्तेमाल करें। 4 में लिखा, वरदान तो विभिन्न प्रकार के हैं, पर आत्मा एक ही है, और सेवाएं भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करिए कि सब कुछ अलग अलग है पर एक है, सब कुछ अलग अलग है, आत्मा एक है पर सब कुछ अलग अलग है, प्रभु एक है, सबकी भलाई के लिए। यानी हमारे हाथ में साबुन तो है, पर नहलाना हमें किसी और को है, खुद नहीं नहाना है। कपड़े किसी और के धोने हैं, हमें खुद नहीं धोने। हमें वरदान परमेश्वर ने हमें दिया जरूर है, पर सेवकाई हमें दूसरों की करनी है, खुद की नहीं। अगर मान लो मुझे प्रचार का परमेश्वर ने अगर थोड़ा सा भी वरदान दिया है, तो क्या शीशे के सामने खड़ा होकर मैं अपने आप को बोलूंगा? नहीं। होम ग्रुप चलाना है तो क्या मैं 5 शीशे लगा करके मैं 5 अपने आप को देख करके मैं अपने आप को प्रचार करूंगा क्या? नहीं। क्या अगर हमें दुष्ट आत्मा भगाने का वरदान दिया गया है, मैं हाथ रख के दुष्ट आत्मा भगा सकता हूं, तो क्या मैं अपने ऊपर रखूंगा हाथ, अपनी दुष्ट आत्मा भगाऊंगा? मेरे खुद को ही होश नहीं होगा उस टाइम। वैसे ही हमें हर एक वरदान जो हमारे हाथ में है, लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों के लिए प्रचार, लोगों के लिए, लोगों के अगर जीवन में कोई भी समस्या है उसके लिए प्रार्थना करना, कोई बीमार है उसको चंगा करने का वरदान, तो हर एक चीज़ कलीसिया के लोगों के लिए दी गई है। पवित्र आत्मा आपसी प्रेम को ज़्यादा देखता है, अलग अलग तो हमें देखता ही नहीं है, आपसी में हमें सारे वरदान हमारी सब की एक दूसरे की भलाई के लिए दिए हैं। मेरे को अगर कोई वरदान दिया है तो सब भाइयों और बहनों के लिए दिया है, मेरे लिए नहीं दिया।
अगर विरोनिका बहन को कोई वरदान मिला है तो वो सबके लिए मिला है, दया सबके लिए है। वैसे ही सारे वरदान सबकी भलाई के लिए है, अपनी भलाई के लिए नहीं है। और पवित्र आत्मा उन वरदानों को हमारे लिए बांटता है। तो पवित्र आत्मा हमें क्या देता है? वरदान। अब इफिसियो 4:30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। अब ये कौन सी बात आई? अभी तो सब कुछ अच्छा 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 चल रहा था। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। शोकित का मतलब कौन कौन बता सकता है? शोकित का क्या मतलब होता है? शोकित, दुखी, दुखी। शोकित मत करो, शोक मत मनाओ। शोक होता ना शोकित। पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। पवित्र आत्मा दुखी कैसे होगा? जब हम गलत करेंगे। आप दुखित का कैसे मानते हैं? जैसे मैं किसी के घर गया या मैंने किसी को घर पे बुलाया, बिठाया, पानी पिलाया, और पानी पिलाते अचानक से ऐसे हुआ मेरे को, बाद में बोला बाहर निकलो, ऐसे बाहर निकलो, खड़े सब बाहर निकलो, बाहर निकाल करके दरवाज़ा बंद कर दिया। दुख लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना। वैसे ही यही दुख पवित्र आत्मा को लगता है। हमें मृत्यु और पाप से स्वतंत्र करता है, हमें सामर्थ्य देता है, हमारे लिए प्रार्थना भी करता है, हमें पवित्र भी करता है, और हमारे अंदर आके भी रहता है, हमारे साथ भी बना रहता है, हमें वचन भी याद दिलाता है, और हमारे हाथों में वो हथियार भी देता है, और उसके बाद हम पाप करते हैं और उसको घर से बाहर निकाल के बाहर कर देते हैं, तो उसे बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसी की छाप हमारे ऊपर है जिससे कि हम उस उद्धार को पाएंगे जो हमारे जीवन के अंत में, इस जगत के अंत में जो परमेश्वर यीशु मसीह हमें देगा, उसी की छाप हमारे ऊपर है, और हम उसको निकाल करके बाहर कर देते हैं। क्यों? हमारे जीवन में से कुछ पाप छूटते नहीं है, उन पाप को छोड़ने के लिए हम सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं करते। कुछ समय तक तो हम उससे जीतते हैं, बाद में हम उससे हारते चले जाते हैं। क्या एक ही तो पाप है मेरे जीवन में, क्या फर्क पड़ता है? मैं 100 तो नहीं कर रहा ना, कर तो एक ही रहा हूं। हमारे जीवन में एक भी दाग हो तो वो पापी ही है। 100 पाप हमने नहीं किए, वो नहीं किए, पर एक भी अगर किया तब भी हम पापी ही हैं। और उस दाग भरे शरीर के अंदर पवित्र आत्मा नहीं रह सकता। तो जब हमारे अंदर पाप आ जाता है, पवित्र आत्मा अपने आप हमारे जीवन से बाहर निकल के खड़ा हो जाता है, हमारे शरीर में से निकल जाता है। उस मंदिर को हम अपवित्र कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, जिससे कि वो पवित्र आत्मा जिसने हमारे शरीर में मंदिर बनाया था उसको हम निकाल करके खड़ा कर देते हैं बाहर। तो हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मनुष्य का हर पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। और जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ बोलेगा उसका यह अपराध ना तो इस युग और ना आने वाले युग में क्षमा किया जाएगा। या तो पेड़ को अच्छा कहो और उसके फल को भी, या पेड़ को निकम्मा कहो और उसके फल को भी, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। पवित्र आत्मा का अपमान मत करो। पवित्र आत्मा, एक अपमान करना होता उसका मजाक उड़ाया जाना, एक अपमान होता उसका मजाक उड़ाया जाना, वो तो बिल्कुल ही मत करो। और अपमान जो पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाया जाना और अपमान, ये दोनों चीजें परमेश्वर एक ही जगह गिनता है, और वो कहता है वो कभी क्षमा ना किया जाएगा। जब हम पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं, हमारे शरीर में जब पवित्र आत्मा रहता है, जब उसकी इतनी मेहनत के बाद में, जब वो पवित्र आत्मा इतनी मेहनत करता है सिर्फ एक चीज पे, कि हमारी इच्छा है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और उसके पास पहुंचेंगे, इतनी मेहनत के बाद में जब हम पाप करते हैं तो उसको दुख होता है।
और प्रभु यीशु मसीह उसका अपमान में गिनता है उस चीज को कि हम इस हम पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं कि हम अपने अंदर से उसको निकाल करके बाहर खड़ा कर देते हैं कि उसने हमें साफ किया, हमारे अंदर रहा, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की रोशनी को उजागर किया और हम पाप करके उसको बाहर फेंक देते हैं, बाहर खड़ा कर देते हैं निकाल के। तो पवित्र आत्मा का अपमान परमेश्वर यीशु मसीह कभी क्षमा नहीं करेगा। आखिरी चीज, दूसरा ग्रंथियों 3:17। अब यह प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। बस हमारे अपने जीवन में इस बात को हमेशा याद रखना, जहां पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। यानी पवित्र आत्मा में हमें वो मोहर लगी है, वो छाप लगी है कि हम स्वतंत्र हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से अंत के दिनों में मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो स्वतंत्रता जो शुरू में उसने दी वो अंत तक बनी रहेगी क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। तो हमें पवित्र आत्मा का अपमान नहीं करना, हमें पवित्र आत्मा को दुखित नहीं करना, हमें पवित्र आत्मा को अपने अंदर बना करके, अपने साथ बना करके हमें लेके चलना है कि हमें पवित्र आत्मा को हमेशा हर वक्त मांगते रहना है कि पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य दे कि हम पाप से जीत करके हमारे अंदर वो रोशनी पैदा हो जिससे कि दूसरे भी यीशु मसीह को जानने पाए। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा से देखेंगे, पवित्र आत्मा हमें पाप और मृत्यु से स्वतंत्र करता है, फिर हमारे हाथों में अपनी सामर्थ्य को देता है और उस सामर्थ्य को देने के बाद हमारी दुर्बलताओं में हमें हमारे लिए प्रार्थना करता है कि हम दुर्बलताओं को छोड़ करके बदलाव के साथ यीशु मसीह में अंश अंश दर अंश बदलते जाएं और उस बदलाव के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके वास करे और हमारे साथ अंत तक बना रहेगा, हमें वचन को समझने में और याद दिलाने में हमारी मदद करेगा और उसके बाद हमारे हाथों में वरदानों की शास्त्र कह लो या वरदानों की तलवार कह लो जो हमें देगा जिससे कि हम दूसरों की भी मदद कर पाएंगे परमेश्वर यीशु मसीह में बने रहने के लिए। पर हमें दो चीज़ें नहीं करनी है, पवित्र आत्मा का अपमान और उसे दुखित नहीं करना है। हमें परमेश्वर यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा में स्वतंत्रता को बनाए रखना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे।